नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री मैराथन की तीसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस हिस्ट्री के मैराथन क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं और यह हमारी तीसरी क्लास है। प्रथम क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने आपके गुलाम के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते पढ़ते हम नासिरुद्दीन महमूद तक पढ़े थे। और दूसरी वीडियो में हमने बलबन को पढ़ा और कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। और आज के वीडियो में हम मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसकी पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर अवश्य ही देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ के समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी को, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि इसकी मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों, इसकी मृत्यु हुई थी आपके 5 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन बैठता है आपके? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसे मुबारक शाह खिलजी भी कहा जाता है। मुबारक खिलजी, ये आपके खिलजी क्या होता है दोस्तों? आपके अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी होता है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? आपके सक्सेसर होता है, आपके उत्तराधिकारी होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो यहाँ पर इसे मुबारक शाह खिलजी भी कहते हैं, मुबारक शाह खिलजी भी कहते हैं। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में क्या बात याद रखेंगे? इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल आपके 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। ये 1316 है, 1316 से 1320 तक कुल 4 वर्षों का इसका कार्यकाल था। इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने खुद को खलीफा घोषित किया, खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। तो ये बात क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, तो आप लोग कहेंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, जो 1316 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1320 ईस्वी मतलब कुल 4 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। अगली बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और इस बात को क्या रखेंगे आप लोग दिमाग में रखेंगे, दिमाग वाली बात क्या है दोस्तों? दिमाग वाली बात यह है कि दोस्तों, उनके इतिहासकार जो बर्नी हैं, इतिहासकार बर्नी के बारे में आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा अगर आपने इतिहास पहले पढ़ा होगा तो। इतिहासकार बर्नी का कथन होता है कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था। तो दोस्तों, यह एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा शख्स था जो कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के ही आ जाता था, नग्न अवस्था में आ जाता था। और इसे नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। या ऐसे लोगों से संगत करता था जो नग्न रहती थी, चाहे वो स्त्रियां हों चाहे वो पुरुष हों। तो ये बात इसके बारे में इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। कौन कहता है? इतिहासकार बर्नी कहता है। अगली बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है यह है कि इसकी हत्या किसने की। तो मुबारक की हत्या किसने की? तो मुबारक की दोस्तों, जो आपकी हत्या होती है, ये मुबारक शाह खिलजी के ही वजीर थे। क्या थे दोस्तों? आपके वजीर थे, जिनका नाम था खुसरो खां। तो मुबारक शाह खिलजी के ही आपके वजीर खुसरो खां के द्वारा आपके 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी जाती है। 13 अप्रैल 1320 ईस्वी को हत्या कर दी जाती है।
किसकी? आपके मुबारक शाह खिलजी की, मुबारक शाह खिलजी की। और खुसरो खां स्वयं दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहता है। हालांकि दुर्भाग्य रहता है कि खुसरो खां भी बहुत समय तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन नहीं रह पाता है। और दोस्तों इसके बाद तुगलकंस की नींव पड़ती है। खुसरो खां की बात करते हैं तो खुसरो खां के बारे में याद रखेंगे, खुसरो खां महज कुछ दिनों के लिए ही दिल्ली की गद्दी पर बैठ सका। और खुसरो खां की बात करते हैं तो यह दोस्तों पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसकी एक उपाधि परीक्षा हो सकती है, तो इसका इसकी उपाधि पैगंबर का सेनापति। इसने कहा था कि मैं पैगंबर का सेनापति, पैगंबर मतलब ईश्वर का, अल्लाह का, पैगंबर का सेनापति हूँ। तो पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की किसने? खुसरो खां ने। और इसने आपके अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, अलाउद्दीन खिलजी की नहीं, मुबारक शाह खिलजी की। ये बात थोड़ा सा भूल हो गई, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से खिलजी वंश क्या होता है दोस्तों? आपका समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं आपके तुगलक वंश की, जो परीक्षा दृष्टिकोण से क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बात समझिए, अगर पूछे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था तो कौन था दोस्तों? खुसरो खां था। कौन था? खुसरो खां था। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका शुरू होने चल रहा है दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश, जिसे कहते हैं आपके तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं तो इसका आपके शासनकाल कब से कब तक था? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। दोस्तों आपके क्या रहा कि इस प्रकार से तुगलक वंश का शासनकाल रहा, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। तुगलक वंश के तीन महत्वपूर्ण शासक हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहली बात, तुगलक वंश के बारे में इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। अगर पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, तो आप लोग कहेंगे कि तुगलक वंश ने। कितने वर्षों तक? तो कुल आपके 94 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? 94 वर्षों तक शासन किया, और सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ये बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दिल्ली पर शासन करने वाला तुर्क राजवंश में अंतिम तुगलक वंश हो जाता है। दिल्ली जितने पर अभी तक जितने दिल्ली पर वंश आए, ये सभी आपके तुर्क वंश थे। तो दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में, इसको समझेंगे, करने वाले तुर्क राजवंशों में अभी तक जितने राजवंश आए थे, तुर्क राजवंशों में यह दोस्तों आपके अंतिम था। यह आपके क्या दोस्तों? अंतिम था। कौन था दोस्तों आपके तुगलक वंश था। अगर परीक्षा पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन, आपके दिल्ली सल्तनत का आपके तुर्क राजवंश का अंतिम वंश कौन था? तो अंतिम वंश आपके तुगलक वंश था। इस बात को याद रखेंगे समझे। इसके बाद जो आपके लोदी वंश था वो अफगान वंश था। तो ये अंतिम तुर्क वंश हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके संस्थापक की बात करते हैं, जिसका नाम होता है आपके गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम होता है दोस्तों? इसका नाम होता है आपके गयासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो आपके 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक, मात्र 5 वर्षों का इसका शासनकाल रहा। ये परीक्षा दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कितने फैक्ट हैं, इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात याद रखेंगे कि यह तुगलक वंश का संस्थापक था। क्या दोस्तों? के तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगली बात परीक्षा में पूछ सकती है कि इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो सिंचाई हो हेतु इसने कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। तुगलक वंश का संस्थापक था। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। अगला इंपॉर्टेंट बात है, इसका वास्तविक नाम परीक्षा पूछ लेता है। तो इसका वास्तविक नाम क्या होता है? उससे पहले ध्यान रखेंगे कि दोस्तों संभवतः नहरों का भी निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। संभवतः दोस्तों आपके नहरों का निर्माण करने वाला कुएं नहरों का निर्माण किया तो मैंने पीछे बताया ही। और संभवतः यह है कि नहरों का निर्माण करने वाला यह प्रथम शासक था। करने वाला
नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ये बात याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, नोट करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात की तुगलक वंश का संस्थापक था, दूसरी बात की इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किया, तीसरी बात की संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था, चौथी बात इसका वास्तविक नाम परीक्षा में लेता है कई बार, वास्तविक नाम इसका क्या था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में, तो इसका आपके नाम था वास्तविक नाम गाजी मलिक। और कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को इंपॉर्टेंट रखेंगे कि किस दिल्ली सल्तनत के किसका नाम आपके वास्तविक नाम के गाजी मलिक था, कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, ग से गाजी मलिक, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी दोस्तों आप इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि इसने दोस्तों आपके तुगलकाबाद, मतलब जो तुगलकाबाद नगर है, तुगलकाबाद दोस्तों आपके दिल्ली में है, तुगलकाबाद नामक नए नगर की स्थापना की। अगर पूछे कि तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की, तो आप लोग कहेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने। अगली बात जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट सकती है कि अगर पूछ ले कि तुगलकाबाद कहाँ पर है, तो दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पर समझने की प्रयास करेंगे इसकी मृत्यु कब हुई, तो इसकी दोस्तों मृत्यु होती है आपके 1325 ईस्वी में, कब होती है दोस्तों आपके 1325 ईस्वी में, जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो बंगाल के अभियान से लौटते समय इसकी मृत्यु 1325 एडी में हो गई थी। तुगलकाबाद की बात करते हैं, तो तुगलकाबाद दिल्ली में नए नगर की स्थापना की, इसकी मृत्यु कब हुई, तो 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय इसकी मृत्यु हुई, और कैसे हुई, तो बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान जो इसका पुत्र था उसके द्वारा निर्मित एक लकड़ी का महल था उसमें ही दबकर इसकी मृत्यु होती है। तो आपके यहाँ पर याद रखेंगे कि जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर लकड़ी के महल में दबकर तो जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है बंगाल के अभियान से लौटते समय। वास्तव में होता क्या है, इसकी थोड़ी सी कहानी याद रखेंगे कि निजामुद्दीन अवलिया, ये बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई। निजामुद्दीन अवलिया दोस्तों ये आपके एक संत हो जाते हैं। और इस तरफ हो जाते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक आपके निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी नाराज रहते हैं, और गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र रहता है जिसका नाम होता है जौना खान। ये थोड़ा कहानी आप समझिएगा, बहुत आपके ये जो कहानी आपकी प्रचलित है इसको समझ लीजिए। तो गयासुद्दीन तुगलक के एक पुत्र रहते हैं आपके जौना खान, और गयासुद्दीन तुगलक आपके काफ़ी नाराज रहते हैं, आपके काफ़ी क्रुद्ध रहते हैं आपके निजामुद्दीन औलिया से। इस समय होता क्या है दोस्तों कि आपके बंगाल में एक विद्रोह हो जाता है। और यह विद्रोह कौन करता है, तो आपके बलबन का आपके इसका विद्रोह करता है आपके बुगरा खान ने आपके यह विद्रोह किया था, बंगाल विद्रोह किसने किया, बुगरा खान ने किया इसी समय। और गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विद्रोह को दबाने हेतु यहाँ पर आपके कहाँ चला जाता है, बंगाल में चला जाता है। और इस समय होता क्या है कि जो जौना खां होते हैं ये आपके निजामुद्दीन औलिया के शरण चले जाते हैं, इनसे शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। बातें आप लोग समझ रहे होंगे कि गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी नाराज थे, काफ़ी क्रुद्ध थे निजामुद्दीन औलिया के ऊपर, और इनका पुत्र था आपके जौना खां, इसी समय बंगाल में विद्रोह हो जाता है आपके, और यह विद्रोह करता है बुगरा खां, और इस विद्रोह का दमन करने हेतु वहाँ पर पहुँचते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इस समय जो जौना खां होते हैं ये निजामुद्दीन औलिया की शरण में चले जाते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं, और वहाँ से गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से कहते हैं कि मेरे दिल्ली पहुँचने तक तुम वहां से, मतलब निजामुद्दीन औलिया, आप वहां से हट लेना वरना आपका काम तमाम हो जाएगा। ये बात कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और निजामुद्दीन औलिया कहता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्या कहते हैं आपके
निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ये कहते हैं दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ पर जब इनसे कहते हैं कि आप वहाँ से हट जाइए वरना मैं आपको दिल्ली मेरे पहुँचने तक वरना आप मैं आपको समाप्त कर दूंगा, तो निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से कहते हैं कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और यही होता है दोस्तों, दिल्ली इनसे दूर ही रह जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने इनके पुत्र को समझा दिया जौना खां को, और जौना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया जिसमें ही गिरकर बंगाल के अभियान से लड़ते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये राज की बात आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन परीक्षा पूछा जाता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, या नारा या मतलब यह बात किसने कही थी या कथन किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का है। सारी बातें सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में जिस विद्रोह का दमन करने हेतु गए थे वह विद्रोह किसने किया था, तो बुगरा खान ने किया था। अब यहां पर दोस्तों आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं जो आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि इसके उत्तराधिकारी नाम गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था, सक्सेसर कौन था, उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसका उत्तराधिकारी आपके हो जाता है आपके जूना खान, इसका जो आपके जौना खान जो इसका पुत्र हो जाता है जौना खान, और जौना खान नाम जौना खान जो दोस्तों इसका नाम फिर पड़ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां के नाम से जाना जाता है। ये आपके इनके उत्तराधिकारी हो जाते हैं, इनके पुत्र साहब। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, पढ़ते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों के इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बात याद रखेंगे। और आपके गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जितनी बातें बताई हैं सारी चीज़ें जितनी चीज़ें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको आप भी अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। इसके शासनकाल की बात करते हैं तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक कुल 26 वर्षों का कार्यकाल किसका रहा आपके, कुल 26 वर्षों का आपके, कुल आपके 26 ईयर का कार्यकाल रहा आपके मोहम्मद बिन तुगलक का। जो आपके इसके बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में डायरेक्टली बार बार पूछे गए हैं। पहली बात ये पूछा है दोस्तों कि आपके पहली बात दोस्तों इससे पूछ लेता है क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में या दोस्तों आपके मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योगी व्यक्ति था, विद्वान एवं योगी व्यक्ति था। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, योग्य व्यक्ति था। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह सर्वाधिक शिक्षित भी था, विद्वान भी था, और योग्य व्यक्ति था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन होता क्या है कि इतना विद्वान होने के बाद भी इसकी जितनी भी योजनाएं आई ये इन सब इनके विरोधी रही, मतलब कि एक भी योजना इसकी सफल नहीं हो पाती है, जिसलिए इसको एक मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे योग्य व्यक्ति था। अगली बात जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अफ्रीका दोस्तों जो है आपके एक जो आपके अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसी के उत्तरी अफ्रीका का एक देश है आपके मोरक्को, एक देश है दोस्तों आपके मोरक्को। वहीं का एक अरब यात्री था जिसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इब्न बतूता। यह आपके 1333 ईस्वी में आपके भारत आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, कहाँ का यात्री था, तो आपके मोरक्को का यात्री था, आपके एक अरब यात्री था। किसके शासनकाल में आपके आया, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। कब आया, तो 1333 AD में आया। ये सब बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इब्न बतूता का एक ग्रंथ परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि किसका ग्रंथ है, तो इसकी पुस्तक का नाम है रुहेला। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि रुहेला जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो आप लोग कहेंगे कि यह इब्न बतूता की पुस्तक है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अगला है दोस्तों कि इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था। इससे पहले मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है
आक्रमण हुआ था है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो तर्मासिरीन के नेतृत्व में, तर्मासिरीन के नेतृत्व में, 1326 से 27 ईस्वी के बीच में, 27 ईस्वी के बीच में अंतिम मंगोल आक्रमण तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अंतिम मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, किसके नेतृत्व में हुआ, तो तर्मासिरीन के नेतृत्व में। कब हुआ, तो 1326-27 ईस्वी के बीच हुआ। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करेंगे कि यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्यौहार होली में भाग लिया। तो हिंदुओं के मुख्य त्यौहार आपके होली में भाग लिया। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के एक प्रसिद्ध त्यौहार होली में भाग लिया, तो कौन दोस्तों की मोहम्मद बिन तुगलक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि इसकी राजधानी क्या थी, इसकी आपकी कैपिटल क्या थी। तो दोस्तों इसकी कैपिटल क्या थी, ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि इसने अपनी राजधानी देवगिरी से देवगिरी स्थानांतरित की। तो दिल्ली से देवगिरी इसने स्थानांतरित की, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि दिल्ली से देवगिरी बहुत अधिक दूर रहता है, और इसीलिए दोस्तों जब इसने अपने दिल्ली से देवगिरी जब अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है, जिसे कहते हैं दिल्ली से दौलताबाद, तो वह स्थानांतरित करने में इतनी जनता को वहाँ शिफ्ट करने में बहुत अधिक जनता की मृत्यु हो जाती है और बहुत जनहानि होती है, और ये योजना इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है दोस्तों, ये योजना इससे बहुत ख़राब रहती है। हालांकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसने क्यों यह किया था, तो इसका कारण यह था दोस्तों कि यह देवगिरी आपके बिल्कुल के सेंटर में था, तो यह देवगिरी में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दक्षिण भारत पर भी आपकी मजबूत पकड़ रखना चाहता था, ये बात रखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और इसीलिए ये योजना इसकी बहुत ही आपके खराब सिद्ध होती है। लेकिन इस बात को याद रखेंगे कि आपके दिल्ली सुल्तान का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी स्थानांतरित की, तो आप लोग कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगली बात जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन सकती है, आप लोग याद रखेंगे कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में आपके हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो इसके शासनकाल में आपके एक विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। ये परीक्षा हो सकता है स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। किसने स्थापना की, तो आपके हरिहर एवं बुक्का ने की। ये विजयनगर कहाँ पर दोस्तों, आपके दक्षिण भारत में है। तो आपके दक्षिण भारत में बहुत सारे विद्रोह इसके समय में हो रहे थे, तो दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किसके समय में की, तो इसी के समय में की। ये बात आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा सकती है। अगर क्वेश्चन पूछते कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुए, तो कुल 27 विद्रोह सबसे अधिक विद्रोह हुए आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और दोस्तों और इसी में से एक विद्रोह आपका ये भी था जिसको विद्रोह किया था हरिहर बुक्का ने, और विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसी इन्हीं विद्रोहों का दमन करने हैं तो इस करते हुए इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसकी अगर मृत्यु की बात करते हैं, तो इसकी मृत्यु हुई थी आपके 1351 ईस्वी में। अगर पूछे कैसी हुई थी, तो इसकी मृत्यु आपके सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिंध जाते वक्त थट्टा के निकट गोडाल में क्या हो जाती है आपकी 1351 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है, जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह वीडियो मुझे लगता है यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। आज हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, और मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ा, और ये शासक आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिरोज तुगलक के साथ साथ आपके सैयद वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम 5वीं क्लास में लोधी वंश को पढ़कर आपके दिल्ली सल्तनत के ये आपके रैपिड कोर्स को समाप्त कर देंगे। हमने पहले वीडियो में दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक
पढ़ना स्टार्ट किया और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के साथ साथ हमने नासिरुद्दीन महमूद तक पढ़ा। दूसरे वीडियो की बात करें दोस्तों, दूसरे वीडियो में हमने बलबन को पढ़ा। फिर दोस्तों उनके बलबन के बाद हमने आपके आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। तो इन तीन शासकों के बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा, आपके दूसरे वीडियो में पढ़ा। आज के तीसरे वीडियो में दोस्तों हमने आपके मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ा, और मुबारक शाह खिलजी के बाद दोस्तों हमने आपके गैसुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा। बहुत ही डिटेल में हमने सारी चर्चाएं यहाँ पर हमने की हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे नहीं पढ़ाया है अभी तक, उसको मैं पूछ लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसका जवाब दूंगा कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे इनके नाम का अर्थ क्या होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके नाम का अर्थ क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या है, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो और एक पुस्तक है आपके ताजुल मासिरी किसकी पुस्तक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके इस क्रैश कोर्स में नहीं बताए हैं। अगर आप लोगों को इन दोनों की जानकारी हो तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इसका उत्तर दूंगा, उसके बाद ही चर्चा को स्टार्ट करूंगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और आपने इसके पहले और दूसरे वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर अवश्य ही देख लीजिएगा। और अगर आप दिल्ली सल्तनत को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा रहेगा आपके मध्यकालीन इतिहास फुल डिटेल में, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट दी रही होगी, जाकर देख लीजिए। अभी तक दोस्तों वहाँ पर हमने 12 वीडियो अपलोड किए हैं और अभी तक हमने आपके बलबन तक ही पढ़ा है, तो समझ लीजिए कि 12 वीडियो में हम सिर्फ बलबन को ही पढ़ पाए हैं अभी तक, तो कितने डिटेल में हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।